नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। दो वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री ने अगर 4-5 साल देर कर दिया होगा तो बिहार में शराबबंदी लागू करना संभव था, क्योंकि मैं देखता हूं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन राज्यों में पीना एक संस्कृति का हिस्सा बन गया है। बाप बेटा बैठ के एक ही जगह पीना है, तो कम से कम बिहार उससे बचा हुआ था कि यहाँ की वो कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं बना और एक छोटा समुदाय था जो पीता था। और जिस तेजी से पीने का प्रचलन बढ़ रहा था, तो अगर आपने वो हिम्मत नहीं दिखाई होती उस समय, तो 5 साल के बाद आप चाहते तो भी उसको आप लागू नहीं करा पाते। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हिम्मत दिखाई है। अभी तो राजनीति में कुछ कामों के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है। नोटबंदी लागू हुआ तो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, शराबबंदी लागू हुई तो बहुत लोग आलोचना करते हैं। अभी तो एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में कि जब ये शराबबंदी का कानून आया विधानसभा में, विधान परिषद में, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ इस कानून का समर्थन किया था। और मैंने तो यहां तक कहा, विधान परिषद में जब आंशिक शराबबंदी लागू हो रही थी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि अगर लागू करना तो पूर्ण शराबबंदी लागू कीजिए, आंशिक शराबबंदी लागू कीजिए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपने गांव में मना कर दिया और शहर में शराबबंदी, अगर शराब बिकना चालू रहा तो गांव का आदमी शहर में आकर शराब पीकर चला जाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, इनको जहां से भी प्रेरणा मिली हो, और 5 तारीख को इन्होंने पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया है। और मित्रों, जब हम विपक्ष में भी थे तबने शराबबंदी का हमेशा समर्थन किया। कुछ अखबार वालों को देखता हूं, लिख देते हैं कि बीजेपी विरोध में थी। अगर विरोध में रहते तो विधानसभा में हम उसके समर्थन में कैसे खड़े होते। यहां तक कि जब मानव श्रृंखला बनाई जा रही थी उस समय हम सत्ता पक्ष में नहीं तो विपक्ष में थे, 21 जनवरी पिछले साल, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं और मेरी पार्टी के सारे प्रमुख लोग मानव श्रृंखला में खड़े थे। मित्रों, बाकी मुद्दों पर राजनीति हो सकती है, क्रियान्वयन के मुद्दों पर कुछ आपके सुझाव हो सकते हैं, हमारे विचार हो सकते हैं, लेकिन शराबबंदी, और गुजरात देश का पहला राज्य था, एक महीने में 1960 में जब गुजरात राज्य का गठन हुआ वहां शराबबंदी लागू हुई। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बने, उसके पहले केशव भाई पटेल बने हो, केशव पटेल बने हो, कोई भी, तो बीजेपी की सरकारों ने भी शराबबंदी को मजबूती से गुजरात में लागू करने का काम किया। आज है किसी की मजाल, जो लोग कहते हैं कि कल अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी हिम्मत कर पाएगा इस राज्य के अंदर कि कोई सरकार आ जाए और शराबबंदी को खत्म कर दिए, हिम्मत करने की कोई कर सकता है। हम सब लोग इस पूर्ण शराबबंदी के पूरे तौर से पक्ष में है। और मित्रों, हम सब लोगों ने उसके दुष्प्रभाव को देखा है। मेरे तो अपने घर में एक ड्राइवर, मेरा ड्राइवर, वो मर गया। रोज घर में झगड़ा, उसकी पत्नी आकर कहती थी कि हमको आधा आधा तनख्वाह हमको दे दीजिए, हम लोगों ने आधी तनख्वाह देना प्रारंभ कर दिया उसकी पत्नी को। उसके बाद भी उसकी लत नहीं छुटी और वो मर गया। और आज मेरा एक नौकर मेरे घर में काम करता है, वो कल तक शराब पीता था, शराबबंदी के बाद कुछ दिन बड़ा परेशान बेचैन रहा, तबीयत खराब हो गई, और आज इतना प्रसन्न, इतना खुश, उसके परिवार के लोग इतने खुश हैं। और हम तो जब विपक्ष में भी था तो पार्टी के जिस कार्यकर्ता से पूछता था, बताइए नीतीश जी ने लागू किया क्या असर है इसका, एक भी व्यक्ति नहीं मिला मुझे जिसने ये कहा कि ये गलत निर्णय, तो लोग यही कहते थे सब बड़ा अच्छा हो गया, चौक चौराहे पर फफ्तियां किसना बंद हो गया, गुंडागर्दी, लड़कियों के साथ छेड़खानी कम हो गई, जो घरेलू हिंसा है वो कम हो गई। और आज भी बिहार के अंदर कहीं चले जाइए, कुछ पढ़े लिखे, कुछ संपन्न और बड़े लोगों को छोड़ दीजिए तो बिहार में कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ये निर्णय गलत था। और मित्रों, अगर शराब पकड़ी जा रही है तो क्या शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए? अगर लोग जेल जा रहे हैं तो क्या कानून को खत्म कर दिया जाए? और मुझे तो एक घटना याद है, 2012 के अंदर से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे गुजरात में, मैं गया चुनाव प्रचार में,
और मुझे लोगों ने बताया कि कोई ऐसी पंचायत नहीं है गुजरात की जाके पांच लोग जेल में बंद नहीं है। मैंने पूछा किस लिए जेल में बंद है, तो कहा कि बिजली चोरी के आरोप में। तो मुझे लगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जेल में बंद है तो पता नहीं क्या परिणाम होगा। लेकिन जब परिणाम आया तो एक प्रचंड बहुमत से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो अगर कोई जेल जाता है तो समाज के बाकी लोग खुश होते हैं, क्योंकि कोई अच्छा काम करके जेल नहीं जा रहा है, उसके परिवार के लोग थोड़ी परेशानी होती होगी। आज अगर कोई बिजली चोरी के आरोप में जेल चला जाए, अपराध के आरोप में जेल चला जाए, तो क्या समाज खुश होगा, गांव के लोग खुश होंगे? तब तो जेल जाने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। मित्रों, मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के जो समाज सुधार के जो काम है उसके अंदर कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, मीडिया की आलोचना से घबराइएगा नहीं और कुछ विरोधियों की टिक्का टिप्पणी से घबराइएगा नहीं। पूरा बिहार आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, और मजबूती के साथ इसको लागू कीजिए। और आज जो ये कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया, इसका परिणाम अभी आपने देखा एक जिस प्रकार का दिखाई पड़ा है। ये जो कॉल सेंटर है, इसके कारण जो माफिया, जो लोग शराब का अवैध व्यापार करने वाले लोग, जो लोग इस प्रकार का जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों पर अंकुश लगे। और जो लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल शराबबंदी होनी चाहिए, उन्हीं को बता दें कि प्रैक्टिकल शराबबंदी क्या होती है। एक शब्द प्रयोग कर दिया, कल मैंने देखा एक नेता का बयान है कि प्रैक्टिकल शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल शराबबंदी क्या है ये बता दें तो मालूम पड़ेगा कि क्या प्रैक्टिकल शराबबंदी है। तो इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार और माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत का कायल हूं और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और आगे आने वाले दिनों के अंदर इसको और मजबूती से लागू करेंगे। और समाज के भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि समाज सुधार के कार्यक्रम में आप सरकार का सहयोग करें, हम लोग का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ, दो वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी जीविका की दीदियां, हमारी अन्य महिलाएं और सारे लोग यहाँ उपस्थित, उन सभी लोगों को बधाई और अपनी शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ।